नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं ज़्यादातर भारतीय अंग्रेजी बोलने लिखने पढ़ने में कहाँ गलतियाँ करते हैं। चाहे वो कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, पर वो कहीं ना कहीं गलतियाँ करते ही करते हैं। कहाँ गलतियाँ करते हैं ये सिर्फ हम अपने तरीके से नहीं बताने वाले हैं, यानी कि हम अपने नॉलेज से नहीं बताने वाले हैं कि कहाँ गलतियाँ करते हैं, क्योंकि हम भी इतने एक्सपर्ट नहीं है कि हम ये गलतियाँ बता सके। हम जो एक्सपर्ट हैं, जिन्हें इनकी नॉलेज है, जिन्हें अंग्रेजी का ज़्यादा ज्ञान है, हम उन सब की राय आपको बताने वाले हैं कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं। बट हमें ये नहीं पता होता कि हमें नाम, जैसे सरनेम भी लिख रहे हैं, हम अपना नाम भी लिख रहे हैं, तो सरनेम पहले लगाना है, मिस्टर से पहले सरनेम होना चाहिए या फिर हमारा नाम होना चाहिए, इस चीज़ में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग मिस्टर और मिसिस का प्रयोग सिर्फ नाम के पहले शब्द के लिए करते हैं, जैसे कि मिस्टर रोहन, जो गलत है। ठीक है, मिस्टर का प्रयोग आखिरी नाम के साथ करना चाहिए, यानी कि मिस्टर का जो प्रयोग होता है वो जो हमारा आखिरी नाम होता है उसके साथ करना चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देती हूँ। मिस्टर रोहन, ये गलत है। आप इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि आपका नाम मान लीजिए रोहन है, आप लिख रहे हैं मिस्टर रोहन, गलत लिखा गया है। अगर आपका नाम है रोहन वर्मा, शर्मा, जो भी है, आई डोंट केयर, तो आप लिख देते हैं मिस्टर रोहन। आपको किस तरीके से लिखना है, मिस्टर वर्मा, जो भी आपका सरनेम है उसको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। अब दूसरी गलती आप कहाँ करते हैं, रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर, यानी कि हम में से कई लोग ये कभी हमें पूछना होता है कि आप सच में भाई बहन हो या फिर चाचा ताऊ में ऐसे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या आप लोग रियल ब्रदर हो या फिर रियल सिस्टर हो, तो ये गलत है। इसको इस तरीके से नहीं पूछना है। ठीक है, जो कि गलत है, तो इसको हम किस तरीके से पूछेंगे, रियल ब्रदर गलत, रियल सिस्टर गलत। आपको कैसे करना है, ब्रदर सही है या फिर सिस्टर या फिर कज़िन। ठीक है, तो आप उसको रियल मत बोलिए। ब्रदर यानी कि भाई हो जाता है, सिस्टर यानी कि बहन हो जाता है, और कज़िन यानी कि जो रियल नहीं होता, चाचा ताऊ मामा जो भी है वैसे भाई होते हैं उनको बोला जाता है, तो आप कज़िन बोलिए। आप ये मत पूछिए कि आप रियल भाई बहन हैं, ये गलत है, इस तरीके से आपको नहीं पूछना चाहिए। आप क्या करते हैं, मैरिज या फिर वेडिंग। वेडिंग और मैरिज में क्या डिफरेंट होता है, हम लोगों को नहीं पता होता। हम लोगों को क्या बताया जाता है कि मैरिज का मतलब भी शादी होता है, वेडिंग का मतलब भी शादी होता है, पर हमें इसका सही तरीका नहीं पता कि मैरिज का मतलब क्या होता है और वेडिंग का मतलब क्या होता है। दरअसल मैरिज दो व्यक्तियों के बीच रिश्ते की स्थिति है, यानी कि मैरिज का मतलब क्या होता है, जो शादीशुदा होते हैं यानी कि जिनकी शादी हो चुकी होती है उनको बोलते हैं मैरिज। ठीक है, मतलब उसको बोलेंगे ये मैरिज है, यानी कि ये शादीशुदा है। ठीक है, वेडिंग का मतलब होता है शादी, जो शादी करने वाले हैं या फिर उनकी शादी हो रही है, यानी कि उनकी वेडिंग है, यानी कि उनकी शादी है। हम लोग क्या सोचते हैं कि दोनों का एक ही मतलब है। अब हमें बोलना है कि मैं शादी में जा रहा हूँ, मैं मैरिज में जा रहा हूँ, तो ये गलत है। अगर आप इस तरीके से बोलते हैं मैं वेडिंग में जा रहा हूँ, तो ये सही है। ठीक है, तो इस चीज़ में गलतियाँ ना करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम सही इंग्लिश सीख रहे हैं गलत, पर आपको बताना मेरी जिम्मेदारी। आप देखिए लिखने में आप क्या क्या गलतियाँ करते हैं वो जान लेते हैं। देखिए टू के बाद अगर कोमा मत लगाइए, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, टू के बाद कोमा लगा देते हैं जब हम लेटर वगैरह लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं पहले टू लगाते हैं और टू लिखते हैं और उसके बाद कोमा लगा देते हैं, तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं होती, यानी कि आपको कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं, आप खाली टू लिख सकते हैं। सही उच्चारण, देखिए हम लोग क्या लिखते हैं ज़्यादातर, जस्ट, यानी कि एग्जैक्ट की जगह आपको अजस्ट लिखना है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए डी जो होता है वो साइलेंट होता है। अब यहाँ पर आप एग्जस्ट का वर्ड मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। एग्जस्ट में डी साइलेंट होता है और उसको हम क्या बोलेंगे, आ बोलेंगे, क्योंकि डी तो साइलेंट है, तो उसको आ बोलिए, ए नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं उसको ए बोलते हैं, एग्जस्ट नहीं, आपको अजस्ट बोलना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है आपका, आप देखिए हम लोग क्या करते हैं, एप्पल को हम एप्पल बोलते हैं, यानी कि पी को हम, जो पी होता है उसको हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि डबल पी को हम सिर्फ प पढ़ते हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, जिनको नहीं पता, जो हमारी वीडियो नहीं देखते हैं, उनसे गलती हो जाती होगी मानती हूँ, तो वो क्या करते हैं डबल पी को प प इस तरीके से पढ़ते हैं। आपको इस तरीके से नहीं पढ़ना है, आपको डबल पी को भी सिर्फ प पढ़ना है, एक ही बार प पढ़ना है, तो एप्पल होगा एप। आप देखिए जैसे ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वेडिंग और मैरिज अलग अलग होता है, जैसे कि आज मेरे फ्रेंड की मैरिज है, यानी कि ये गलत होगा।
अगर आपके, मान लीजिए आप ऐसे बोल रहे हैं आज मेरे दोस्त की शादी है, तो आप उसे मैरिज नहीं बोल सकते। आपको क्या बोलना होगा, आज मेरे फ्रेंड की वेडिंग है। वेडिंग यानी कि शादी जो अभी हुई नहीं है, अब होगी, और मैरिज यानी कि जो शादी हो चुकी है। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पर मैं लिखा हुआ समझा रही हूँ ताकि आप खुद पढ़ के अच्छे से समझ सकें। कि जो गिफ्ट के लिए हम जो डब्बा होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको हम ज़्यादातर बोलने में गलतियाँ करते हैं। अब जैसे कि हम उसे बोलते हैं, हम बोलते हैं कार्टून, कार्टून नहीं बोला जाता, कार्टन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कार्टन, जो सही है। पेट्रोल और पेट्रोल में क्या डिफरेंट है, देखिए पुलिस जो करती है वो होता है पेट्रोल, पुलिस जो करती है उसे बोलते हैं पेट्रोल, और गाड़ियों में जो भरते हैं वो होता है पेट्रोल। ठीक है, तो दोनों में बहुत ही डिफरेंट है। इसको देखिए, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा आपको कि इसमें डिफरेंट है, पर आपको लिखने में गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए दोनों की स्पेलिंग अलग है, पेट्रोल जो पुलिस वाला है उसमें पी ए आएगा, और जो पेट्रोल जो हमारा जो हम गाड़ियों में भरते हैं उसमें पी ई आएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छी आपको बताएं। ठीक है, चलिए अब आगे और जान लेते हैं। देखिए कुछ और गलतियाँ हैं जो आप लोग करते हैं। अगर आप कभी भी कोई सेंटेंस लिख रहे हैं जिसमें डिड आ रहा है, तो उसमें आपको वर्ब की पास्ट फॉर्म नहीं लिखनी, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको नहीं लिखनी है, क्योंकि आपने डिड लिख दिया है तो वो वैसे ही पास्ट में हो गया, हमें वैसे ही पता चल जाएगा। जिसको भी आप, मतलब आप लिख रहे हैं तो डिड का मतलब भी पास्ट हो जाता है, तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह आपको फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि ये पास्ट है तो इसमें क्या करना है कि वर्ब की भी सेकंड फॉर्म लिखना है। नहीं, अगर आप डिड लगाना है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। में आपको गो की जगह वेंट नहीं लिखना है, आपको फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिंगुलर और प्लुरल में गलती करते हैं, यानी कि एक वचन और बहुवचन में बहुत गलतियां करते हैं। जैसे कि चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस लिखते हैं, पर देखिए चिल्ड्रन का मतलब ही यही होता है कि बहुत सारे। अब आप उसमें एस क्यों लगा रहे हैं जी? आप मान लीजिए मैंने बोला, अब आप बहुवचन एक वचन है, अब एक वचन में आप लिख रहे हैं कि हम एक वचन है, यानी कि हम एक है। ठीक है, अब आपको लिखना है कि हम बहुवचन है, तो आप उसमें बहुवचन्स नहीं लिख सकते ना, आप उसमें एस क्यों लगाएंगे? क्योंकि वो तो बहुवचन वैसे ही लिखा हुआ है, तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि ये बहुवचन है। इसी तरीके से चिल्ड्रन को आप चिल्ड्रंस नहीं लिखेंगे, आप चिल्ड्रन का मतलब ही यही होता है बहुत सारे, तो आप उसमें एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप जैसे कि टूथ, टूथ का मतलब क्या होता है, उसकी सेकेंड फॉर्म ही होती है, हम लोग क्या करते हैं उसे तीत बोलते हैं, वो गलत है। ठीक है, सिप का मतलब होता है, सिप का मतलब ये होता है बहुवचन। आप देखिए जैसे कि सिप, सिप में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग एस लगा देते हैं, ये गलती नहीं करना। पीपल को लोग पीपल्स लिख देते हैं, यानी कि पीपल में भी आप लोग एस लगा देते हैं, ये गलती ना करें, क्योंकि पीपल्स का मतलब ही यही होता है लोग। अब लोग तो वैसे ही बहुवचन हो गया, तो आपको उसमें एस नहीं लगाना, यानी कि जिसका, जिस वर्ड मीनिंग का मतलब बहुवचन में। हेयर को हेयर्स नहीं लिख सकते आप, हम लोग क्या सोचते हैं कि हेयर का मतलब बाल होता है, तो हेयर्स का मतलब बहुत सारे बाल हो जाएंगे, नहीं। आप देखिए हेयर का मतलब ही यही हो जाता है कि बहुत सारे बाल, आपको उसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ये बोले कि आप कहाँ से पढ़ के आएँ। हम चाहते हैं कि आप ये बोले कि हम जहाँ से पढ़ते हैं हमें हर चीज़ पता है, और आपकी हर कोई तारीफ़ करे। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि अब जो हम गलतियाँ कर रहे हैं उसको सही कैसे करें? तो सही करने का बहुत अच्छा तरीका है, हमारा चैनल आप देख रहे हैं आओ सीखे आज, इसमें हम ऐसी वीडियो डालते हैं जो आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सके। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी सारी वीडियो हैं, जहाँ पर आप बहुत सारी वीडियोस देख के आप सीख सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सारी वीडियो देख लीजिए, मतलब जो भी आपको सीखना है आप देखिए, अपने आराम से जो भी चीज़ सीखनी है यहाँ पर हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं आती है तो उसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि देखिए आप तो सीख रहे हैं, आप जब भी तो वीडियो देख रहे हैं तो क्योंकि आप सीखना चाहते हैं। तो प्लीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से सीख लीजिए, ताकि कोई भी आपसे ये ना बोल सके कि आपको इंग्लिश नहीं आती, क्यों किसी को बहाने दे रहे हो? आप सीख लीजिए, उन लोगों का मुंह बंद कर दीजिए कि हाँ भाई हम आपसे अच्छा बोल सकते हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप हमेशा अच्छे से इंग्लिश बोलें, लोगों आपकी तारीफ़ करें लोग, बस इसीलिए ये सब चीज़ें सिखा रही हूँ, ताकि आप कभी भी पीछे ना रहें। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, और आगे सीखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसी तरीके से आप हमारी वीडियो के नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होएगा,
उसको आपको यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा आ रहा है, इसको आपको टच करना है और एक घंटी का बटन आएगा उस पर टच करना है ताकि आप हमारी और वीडियो देख सकें।